हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यह सेट वन वीडियो है, इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वे सारे के सारे अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक ऐसे ही मैं आपको 10 सिंपल सेट दूंगा, उन सारे सेटों को यदि बना जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट वन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। ऑप्शन है पुष्पीय पौधा, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रायोफाइट में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी सही आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे भिन्न कौन है। हीमोफीलिया एक बीमारी है, इसके संबंध में सबसे भिन्न कौन है। ऑप्शन है एक संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर्स, दूसरा है ब्लीडर्स डिजीज, तीसरा है क्रिस क्रॉस वंशागति, चौथा है एक्स संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, यह सबसे भिन्न है। अगला है, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। ऑप्शन है SO2, H2S, मरकरी या सीसा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी कारण मिनीमाटा रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ज्यादा दूध देने वाला गाय की प्रजाति है। ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन है डॉर्सेट, होलस्टीन, पश्मीना या नेलोर, यानी कौन गाय की प्रजाति सबसे अधिक दूध देती है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, होलस्टीन जो है सबसे अधिक दूध देती है, ठीक है। औसतन एवरेज सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है होलस्टीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसे पाया जाता है। द्विखंडन किसे पाया जाता है। ऑप्शन है अमीबा, पैरामिशियन, जलकुंभी, अमीबा और पैरामिशियन दोनों में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, या अमीबा और पैरामिशियन दोनों में द्विखंडन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, XXO टाइप में लिंग निर्धारण होता है। XX और XO टाइप में लिंग निर्धारण में मानी क्या होता है, ये बताना है। ऑप्शन है मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। दो ऑप्शन दिया गया है, मादा के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और तीसरा है नर के दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और चौथा है नर होमोगैमेट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है XX और XO टाइप में लिंग निर्धारण में, ठीक है। ऑप्शन क आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक कौन है। द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन है। ऑप्शन है एरोसोल, CO2, PN या CO। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी PN जो है द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 है, ताइचुंग वन किसकी किस्म है। ताइचुंग वन किसकी किस्म है। ऑप्शन है गेहूं, धान, गन्ना या मक्का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, या धान की किस्म है ताइचुंग, ठीक है। अगला, गैमिट्स के युग्म को कहते हैं। गैमिट्स के युग्म को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है परागण, या सिनगैमी, या पार्थेनोजेनेसिस, या स्पोरोजेनेसिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सिनगैमी कहा जाता है, सिनगैमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीनोटाइप चार अलग प्रकार के गैमिट्स बनाएंगे। कौन जीनोटाइप चार अलग प्रकार के गैमिट्स बनाएंगे। ऑप्शन है AABBCCD। आप इसको ध्यान से देख लेंगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, A, 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 फिर B, और C, ठीक है। यह चार अलग प्रकार के गैमिट्स बनाने वाला जीनोटाइप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन है ओडम ने, टेंसले ने, वार्मिंग ने या गार्डनर ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर हो जाएगा, टेंसले ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल एक जन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाई जाती है। ऑल एक जन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाई जाती है। ऑप्शन है सूक्ष्म प्रजनन, सोमैटिक संकरण, सोमैटिक भ्रूणोद्भव या एंथर संवर्धन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा बनाया जाता है सबसे अधिक पौधा। ठीक है, अगला, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ऑप्शन है ब्रायोफेम्स, जलकुंभी, अवेग या केला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। यह काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम पर या ऑटोसोम पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यह वाई क्रोमोसोम पर होता है, वाई क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है, अगला है, अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का क्या कारण है। ऑप्शन है एसओ टू, सी एसओ थ्री या एसओ टू और सीओ, सीओ और एनएस थ्री, एसओ टू और एनएस थ्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, एसओ टू तथा एसओ थ्री अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला, कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी किस में कृत्रिम वीर्य निषेचन का उपयोग नहीं कर सकते। घोड़ा में, ऊंट में, मछली में या बकरी में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मछली में कृत्रिम वीर्य सेचन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है स्पोरोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स, क्रिप्टोजोइट्स या मेटा क्रिप्टोजोइट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, स्पोरोजोइट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज का कारण क्या है, डायबिटीज का कारण क्या है, यानी मधुमेह रोग जो है, चिनिया रोग किसके कारण होता है ये बताना है। ऑप्शन सोडियम आयन की कमी के कारण, दूसरा है आयोडीन की कमी के कारण, तीसरा एंजाइम की कमी के कारण और चौथा है हार्मोन की कमी के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हार्मोन, जैसे इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तब डायबिटीज रोग हो जाता है। तो आपका आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, डेयरी फार्म में क्या होता है, दूध, मक्खन, पनीर या सभी, या सभी, यानी डेयरी फार्म में क्या होता है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि डेयरी फार्म में, अब ध्यान से देखिए, आप बताइए कि डेयरी फार्म में क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डेयरी फार्म में क्या होता है, दूध होता है, मक्खन होता है, पनीर होता है, ये सब के सब होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ख सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स किसके लिए उत्तरदायी है आपको ये बताना है। ऑप्शन है हार्मोनल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए, दूसरा है सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, दूसरा है एंटीबॉडी निर्माण हेतु और तीसरा है हिफेरिन बनाने हेतु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, ऑप्शन ख आपका सही है। ठीक है, अगला है, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, जिसको चिनिया रोग हो जाता है उसके मूत्र में क्या होता है, वसा, प्रोटीन, लवण या शर्करा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उसके मूत्र में शर्करा होता है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला है, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। ऑप्शन है गैलपेंगो द्वीप, अंडमान द्वीप, वेस्ट इंडीज या कहीं नहीं गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वे गैलपेंगो द्वीप पर गए थे, जहां उन्होंने फिंच चिड़िया पर प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर को आपका सही है। अगला है, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था, कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। ऑप्शन है 200 मिलियन वर्ष पहले, 1200 मिलियन वर्ष पहले, 2000 मिलियन वर्ष पहले या 4000 मिलियन वर्ष पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 2000 मिलियन वर्ष पहले, यानी ऑप्शन ग सही है। ठीक है, अगला, मानव का विकास कहाँ हुआ, यानी कहाँ माना जाता है कि मनुष्य का विकास हुआ था।
ऑप्शन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या एशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी अफ्रीका से माना जाता है कि मनुष्यों का उद्भव हुआ। अगला, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था, यानी किसने कहा कि जीव जीव से ही उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ओपेरिन, डार्विन, लुई पाश्चर या हाल्डेन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लुई पाश्चर ने कहा था। ठीक है, अगला, डिम्बवाहिनी नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनाती है। डिम्बवाहिनी नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनाती है। ऑप्शन है नर सहायक नलिका, स्त्री सहायक नलिका, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय पीठिका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, स्त्री सहायक नलिका बनाती है। ऑप्शन ख सही आपका। ठीक है, अगला, शीशन का अंतिम वर्धित भाग एवं ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं। अग्रच्छद, अधिवृषण, ग्लांस पेनिस या वृषण जालिका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अग्रच्छद कहा जाता है, अग्रच्छद कहा जाता है। ठीक है, अगला, WHO का पूर्ण रूप क्या है। WHO का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ख चाहिए, सही है। चलिए, इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा से याद कर जाइए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर पाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।